अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रन मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास टेंथ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टोरेज डिवाइसेस तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर सेवनटीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द टॉपिक सेवनटीन पॉइंट सेवन इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेज सो द डिवाइस इज हार्ड डिस्क सो हार्ड डिस्क इज ऑल्सो आ स्टोरेज डिवाइसेज और इसको अब हम कंप्यूटर की एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर में बेल्ट इन होती है नॉर्मली या तो ये चेसिस में कंप्यूटर में कनेक्टेड होती है या फिर इसको एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर में एंड इट इज़ यूज एज आ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो इसकी, इसमें कुछ प्लेटर्स जो हैं वो लगे होते हैं और इसमें मूवेबल आर्म्स लगे होते हैं जो कि हर प्लेटर के साथ कनेक्टेड होते हैं एंड इट इज बॉडी एंड मैग्नेटिकली सेंसिटिव डेस्क और मैग्नेटिकली ये डेस्क भी सेंसिटिव है मीन्स के इसके ऊपर भी डाटा जो है वो मैग्नेटिकली इसके ऊपर स्टोर किया जाता है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी मैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है दियो? सो so, यहां पर भी डाटा मैग्नेटिकली स्टोर किया जाता है ओके एंड सिमिलरली अगर हम इसकी वर्किंग डिस्कस करें कि हार्ड डिस्क में डाटा किस तरह से स्टोर किया जाता है द डिस्क स्पिन्स रैपिडली एंड कॉन्टिन्यूसली इन साइड द कंप्यूटर एंड ईच प्लेटर असिस्ट बाय रीड राइड हेड ऑन अ मूवेबल आर्म सो ये जो डिस्क है ये कंप्यूटर के अंदर कॉन्टिन्यूसली स्पिन करती रहती है और जब वो मूवेबल आर्म जब स्पिन प्लेटर के ऊपर मूव करता है तो ये वहां से इंफॉर्मेशन को रीड या फिर राइट करता है तो इस तरह से आप कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को रीड राइट कर सकते हैं क्लियर सो हार्ड डिस्क जो है हम यहां पर क्यों इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है इसमें डाटा को हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है दैट इज रॉम एंड रैम और रॉम एंड रैम के अंदर आप डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते सो दैट्स व्हाई कंप्यूटर के अंदर जो है वो हम हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं लेकिन जब भी हम कोई डाटा कंप्यूटर में ऑपरेट कर रहे हो मीन्स उसको हम यूज कर रहे हो तब वो डाटा अपियर कहां होता है तब वो डाटा रैम में अपियर होता है जैसे ही आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद वो डाटा सेम एज इट इज वो हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली स्टोर रहता है क्लियर नाउ द नेक्स्ट डिवाइस इज कंपैक्ट डिस्क विच इज सीडीज़। It is a molded plastic disc on which digital data is stored in the form of microscopic reflecting and non-reflecting spots. So basically, compact discs जो है इसमें laser technology को इस्तेमाल करके इसमें data को store करवाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें laser technology को इस्तेमाल किया जाता है Okay? इसमें लेजर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके डाटा को हम स्टोर करते हैं और इसके अलावा ये एक मोल्डेड प्लास्टिक डिस्क है ओके okay? और इस मोल्डेड प्लास्टिक डिस्क के ऊपर डिजिटल की फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता है डिजिटल मींस के बाइनरी फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता है एंड बाइनरी मींस वन एंड जीरो वन और जीरो किस तरह से ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे एंड सिमिलरली डिजिटल डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिफ्लेक्टिंग एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग स्पॉट्स एक वर्ड यूज किया माइक्रोस्कोपिक बेसिकली वो जो रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग स्पॉट्स की मैं बात कर रहा हूं दे आर वेरी माइन्यूट इतने स्मॉल होते हैं कि उसको आप एक आम आंख से मीन के नेकड़ाई से आप उसको नहीं देख सकते सो so, ट्स वाई यहां पर वर्ड यूज किया गया माइक्रोस्कोपिक वो बहुत ही स्मॉल होते हैं उसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसी तरह से जो रिफ्लेक्टिंग स्पॉट होता है उसको हम कहते हैं पिट्स और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग स्पॉट्स है उसे आप कहते हैं लैंड अब जो पिट्स और लैंड है बेसिकली ये वो पार्ट है इसका जिस पर डाटा को सेव करवाया जाता है किस तरह से पिट्स आर द स्पिरल ट्रैक्स इंकॉडेड ऑन द टॉप ऑफ सीडीज पिट्स जो हैं जस्ट लाइक अ स्पिरल ट्रैक्स होते हैं जो कि उस सीडी के ऊपर इंकॉडेड होते हैं और लैंड्स आर द एरियाज बिटवीन पिट्स और इसी तरह अगर हम बात करें के, कि दो स्पिरल ट्रैक्स हैं जस्ट लाइक like एक ये ट्रैक है और एक ये ट्रैक है अब ये दो स्पिरल ट्रैक्स हैं। अब इनके दरमियान में ये जो एरिया मौजूद है दैट पोर्शन दैट पोर्शन इज लैंड ओके और ये जो स्पिरल ट्रैक्स हैं, ये स्पिरल ट्रैक्स क्या हैं? ये हैं बेसिकली पेट्स क्लियर आई होप यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि पेट्स और लैंड्स में डिफरेंस क्या है सो so, अब हम इसकी वर्किंग डिस्कस करते हैं फाइन ले सर्फेस ऑफ द रोटेटिंग डिस्क टू रीड द डाटा लेजर बीम जो है वो इस डिस्क के सर्फेस के ऊपर मूव करती है और इस तरह से डाटा को स्कैन कर लेती है क्लियर पिट एंड लैंड रिफ्लेक्ट डिफरेंट अमाउंट ऑफ लेजर लाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ सी डी दिस पैटर्न ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाई पिट्स एंड लैंड इज कन्वर्टेड इन टू बाइनरी डाटा अब ये जो लेजर बीम की जो लाइट जो कि उस डिस्क की सरफेस के ऊपर फॉल करवाई जाती है वो लाइट डिफरेंट एरिया से रिफ्लेक्ट होती है अब उसकी ये जो रिफ्लेक्शन है ये डिपेंड कर रही होती है उस सीडी के पिट्स और लैंड्स के ऊपर ओके सो अब जो ये जो पिट्स और लैंड्स हैं, ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं अब किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं जहां पर पिट्स होंगे वहां पर ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा दैट मीन वहां पर ये वन शो करवाएगा और जहां पर लैंड्स होंगे वहां पर ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और इस तरह से वहां पर जीरो शो होगा क्लियर यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि प्रेजेंस ऑफ पिट्स मीन

कन्वर्टेड इनटू बाइनरी डाटा इस लाइट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये बेसिकली आपको वो बाइनरी डाटा बताता है जो कि उस सीडी के अंदर सेव होता है क्लियर अब वो जो बाइनरी डाटा है वो वन और जीरो की फॉर्म में है तो उससे फर्दर फिर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है मीन्स कि वो बेसिकली इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि इस सीडी के अंदर ये डाटा स्टोर है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारे बाइनरी फॉर्म को रीड कर सकता है मींस के वन और जीरो को दैट्स वाई इसे हम कहते हैं इट इज अ डिजिटल डाटा के डिस्क के ऊपर जो है वो डिजिटल डाटा जो है वो स्टोर होता है क्लियर सो आई होप यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्क में डाटा किस तरह से स्टोर होता है और हम उस डाटा को फर्दर किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग द लेजर टेक्नोलॉजी क्लियर सो नाउ स्टोरेज ऑफ सीडीज अगर हम सीडीज की बात करें तो सीडी कैन स्टोर ओवर सिक्स एटी डाटा तो सीडी का जो डाटा है वो नॉर्मली एमबीज में स्टोर होता है जैसा कि यहां पर है कि ऑफ डाटा तो ये बहुत कम स्टोरेज है तो इसमें आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं लेकिन आप इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो इसमें आप स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज इसकी कैपेसिटी जो है वो मेगाबाइट्स में है वो बहुत स्मॉल है एंड सिमिलरली डीवीडी कैन स्टोर अप टू सेवनटीन जीबी डाटा डीवीडी जो है is, कि आप सेवनटी जीबी ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं so आपने सुना होगा कि हम, में जब हम कोई मूवी की बात करते थे तो मूवी जो है वो डीवीडीज में होती थी ओके सो डीवीडीज में क्यों बिकॉज डीवीडीज में जो है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं जो कि जीबीज में हो क्लियर अब हम डिस्कस करते हैं फ्लैश ड्राइव के बारे में कि फ्लैश ड्राइव क्या है फ्लैश ड्राइव जस्ट लाइक अ स्टिक गम ओके ये स्टिक गम की तरह होती है और ये भी बेसिकली आईसीस पर कंसिस्ट करती है जिसमें हम फर्दर डाटा को स्टोर करते हैं क्लियर सो इट कंसिस्ट ऑफ डाटा स्टोरेज आईसीज एंड इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर इसमें आप डाटा को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर बेसिकली इट इज अ डिवाइस जो कि आप Uh, कहीं भी मूव कर सकते हैं मीन्स की पोर्टेबल है लाइक like, अगर आपने कोई भी कंप्यूटर में डाटा आपने सेव कर लिया है अब आप वहां पर ये फ्लैश ड्राइव लगा के आप वो डाटा इसमें सेव कर सकते हैं एंड फर्दर इस फ्लैश ड्राइव को फर्दर आप किसी भी कंप्यूटर में जाके जब आप प्लग इन करेंगे तो वो वह से डाटा उसके अंदर भी अपीयर हो जाएगा क्लियर तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एंड इट इज इजी टू यूज एंड हैंडल सो so, ये बहुत ईजी टू यूज है और इसकी हैंडलिंग भी बहुत आसान है किस तरह से जैसे कि आप इसको अपने की चैन के साथ भी हैंग कर सकते हैं और इवन कि आप इसको एक धागे में बांध के इसको आप गले में भी हैंग कर सकते हैं ठीक है और इसको इवन कि अपनी आप पॉकेट में भी रख सकते हैं दैट्स वाई इट इज वेरी इजी टू यूज एंड इजी टू हैंडल एंड वी मस्ट मेक अ बैकअप ऑफ आवर क्रिएटेड पेपर और प्रोजेक्ट्स ऑन आवर फ्लैश ड्राइज एंड सेव इट सेपरेटली सो हम फ्लैश ड्राइव के थ्रू अपने डाटा का बैकअप भी बना सकते हैं किस तरह से लाइक like, आपने कंप्यूटर में एक प्रोजेक्ट एक पेपर आपने राइट कर लिया है तो आप उसको कंप्यूटर में तो वो सेव है आप उसको इस फ्लैश ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं सो अब फ्लैश ड्राइव क्या है ये आपका एक बैकअप बन चुका है कि अगर लेट्स को कंप्यूटर में आपको कोई वायरस आ जाए या किसी भी वजह से वो डाटा करप्ट हो जाए तो आपके पास एक बैकअप जो है वो ऑलरेडी मौजूद होगा क्लियर सो इसी तरह से आप किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी पेपर को आप कंप्यूटर में लिखने के बाद आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फ्लैश ड्राइव इवन कि अगर एक स्टूडेंट है अगर उसने कोई होमवर्क करना है कोई टास्क करना है तो वो इजीली घर बैठे कंप्यूटर पर सॉल्व करके इस फ्लैश ड्राइव में देन उस डाटा को सेव कर ले और वो इस फ्लैश ड्राइव को देन फर्दर वो स्कूल भी लेके जा सकता है और वहां भी जाकर किसी भी कंप्यूटर में वो इसको फर्दर डिस्प्ले करवा सकता है क्लियर सो दैट्स वाई इट इज वेरी इजी टू यूज एंड इजी टू हैंडल और इसमें हम फर्दर डाटा का बैकअप भी बना सकते हैं क्लियर सो दिस स्टोरेज डिवाइस इज मोस्ट एफिशियंट क्लियर सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज